एक मिनट, इसका इनर रेडियस था ए, इसका एक बार शिवानी में देख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे डाउट्स। आउटर रेडियस था बी, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो बी था म्यू नॉट एन आई बाय टू पाई आर। जब तुम लोग वीडियो देखोगे ना अभी जो मैंने भेजी है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखा है वहां पे, ठीक है। और तुमको वहां पे क्या, अगर यहाँ पे मान लो कि इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो हम यहाँ पे रेडियस को क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। ये स्मॉल आर कहाँ से, यहां से लेके यहां तक का हो गया, ठीक है। अगर ए और बी अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम या तो ए को ले लो, नहीं तो बी को ले लो, सब चलेगा। लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस आता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो पॉइंट की दूरी कितनी है यहाँ से। अगर तो वो कभी कभी वो पॉइंट बीचों बीच में अगर आता है ना, ठीक है, मान लो ए हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर, बी हमको दिया गया 22 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया बताओ पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ए और बी अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 22 प्लस 20 42, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आर के बदले क्या पुट कर देंगे, 21, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम टेक्स्ट बुक में जो पढ़ के रखे हो ना, कि हर बार वो म्यू नॉट एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है, जो हमने पीछे लिखा हुआ था फॉर्मूला, ये तभी होता है ओनली व्हेन टॉरॉइड इज थिन। ये थिक टॉरॉइड भी हो सकता है, थिक टॉरॉइड के लिए हमको रेडियस अलग लेना पड़ेगा, उसकी हमको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आगे बात, तो इसके अलावा क्वेश्चंस तुम लोग देख जाना एक बार, जो मैंने भेजी वीडियो पूरी देख जाना उसको अच्छे से एक बार, तुमको टॉरॉइड का सोलेनोइड का पूरा उसमें डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। उसके मैंने न्यूमेरिकल पूरे करवाए उसमें, ठीक है। वो तुम लोग को मैंने वीडियो जो है ना, ये जो मैंने आज जो अभी भेजी है ना, ये तुम लोग को मैंने क्लास में नहीं कराई, ठीक है। तो अभी तुम लोग उसकी वीडियो देख जाना एक बार, उसके बाद देखो अब आगे। हाँ, तुम पूछी थी शिवानी आरसी सर्किट का, देखो आरसी सर्किट मैंने एंट्रेंस वाली क्लास में करवाया था, ठीक है, एक बार फिर भी देख जो अगर देखना है तो। ये ऐसे था हमारा रेजिस्टेंस, इसकी तुम लोग को वीडियो चाहिए होगी ना, तो आरसी सर्किट का जो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, ठीक है, इसको बोर्ड के लिए देखना है, वो इसकी पहली वीडियो देख जाना, ठीक है। मैं तुमको भेज भी देता हूं फिर से एक बार, ये ना हम लोग को मैंने जस्ट अभी एक वीडियो भेजी आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, मैं तो इसमें से क्वेश्चन नहीं दूंगा, सीधी सी बात, ये अपने क्या ये एंट्रेंस वाला टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्या कहते हैं बोर्ड पे सबको ज्यादा यूज भी नहीं है, मैंने फिर भी भेज दी है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो इसमें से क्वेश्चन नहीं दूंगा, अगर बॉम्बे से आ गया तो आ गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, लाइक ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग, कौन से चैप्टर में से है? देखो एक तो तुम्हारा ये तुम्हारा वो क्या कहते हैं 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है, वो तो हर चैप्टर से होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे फर्स्ट टू चैप्टर्स तो हट चुके हुए, तो बचे क्या चैप्टर्स, किसी से मैक्सिमम एक 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, बाकी से 4-4 मार्क के होंगे, किसी एक से 8 मार्क का होगा,
इसलिए सभी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है ना कि वो ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब बच्चे सब्जेक्टिव तो चार मार्क के हर चैप्टर से पूछ लेंगे, 20 मार्क का होगा, ठीक है। अब 20 मार्क में तुम 4-4 मार्क का करो ना, हर चैप्टर से आ जाएगा वो। आई बात समझ में? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, वो पूरा थोड़ी डिलीट हुआ है। फर्स्ट और सेकंड तुम्हारे इस एग्जाम में नहीं आ रहा, स्कूल एग्जाम, ठीक है, बोर्ड में आएगा वो, ठीक है, ताकि बोर्ड में आएगा वो। इस एग्जाम में तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें, ठीक है। ये आरसी सर्किट वाला बताओ, लंबा वीडियो है एक्चुअली, इस पे आधा घंटा लग जाएगा मेरे को, तो तुम लोग एक काम करना ना, मैंने आरसी सर्किट का वीडियो भेज दिया है, उसको एक बार अच्छे से देख जाना उसकी पूरी की पूरी थ्योरी को, और कहीं पर कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे को सर्कल करके भेज देना, मैं तुम्हारा डाउट उस समय क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें शिवानी एक बार जाकर उसको देख जाना, ठीक है, एक बार उसमें मैंने उसके लगभग आरसी सर्किट के मैंने लगभग 5 वीडियो अपलोड किए थे, मैंने 4 या 5 वीडियो मैंने अपलोड किए थे, 2 घंटे मैंने खाली आरसी सर्किट पढ़ाया था, लेकिन अपने को जो पहला वीडियो है ना उसमें मैंने सारी की सारी बेसिक बातें की है, ठीक है। तो वो तुमको पहली वीडियो देख लोगे ना तो इनफ है तुम्हारे लिए बोर्ड के, ठीक है। अगर आता भी है ना तो फर्स्ट वीडियो फिर बियॉन्ड बोर्ड में नहीं आ सकता, ठीक है। थर्ड फोर्थ सब फिर वो काफी ऊपर लेवल पे मैं ले गया था। और क्या कहते हैं उसमें ना, एक आरसी सर्किट में ये जो है ना, जो मैंने कहा था वो चार्जिंग वाली है, ठीक है, एक डिस्चार्जिंग वाली भी होती है, वो भी वो कल उसके का आज मत पढ़ना डिस्चार्जिंग वाली, ठीक है, वो मैं तुमको बाद में भेज दूंगा, ठीक है। वो भी ग्रुप में है लेकिन, उसके बाद हाँ टॉर्क वाला पढ़ जाना, एक्सप्रेशन डेरिवेशन कर जाना टॉर्क वाला, ठीक है, कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता था करंट के लिए, एन आई ए बी वाला जो एक्सप्रेशन था, एम क्रॉस बी वाला, एन आई ए बी, ठीक है, टॉर्क कैसे डिराइव कैसे करते हैं, और फिर कैसे हम लोग एमीटर को चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को चेंज करते हैं हम लोग एमीटर में, और एमीटर को और गैल्वेनोमीटर को हम चेंज करते हैं वोल्टमीटर में। तो उसका देखो कितनी बार, अभी जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे ना तुमको पता है, देखो हर चैप्टर का जो जो तुम्हारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, सबको आना चाहिए, हर चैप्टर की तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब ऑप्शन तुम्हारे सामने रहेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को हमको अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम करते क्या थे, उसके लिए हम वहां पे कनेक्ट करते थे गैल्वेनोमीटर के साथ, एक कनेक्ट करते थे शंट, दैट वाज लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, ऐसा था हमारा, यहाँ पे कनेक्ट करते थे हम शंट, शंट वाज स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। और ये जो पूरा सेटअप जो था ना इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड एमीटर। और शंट कनेक्ट करने के शंट कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है कि शंट हम क्यों कनेक्ट करते थे, बिकॉज इसका एक फायदा ये था कि जो मैक्सिमम करंट जो थी ना वो शंट से पास कर जाती थी, और गैल्वेनोमीटर से हम लिमिटेड करंट पास करवाते, इससे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर था वो डैमेज नहीं होता था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम शंट के हेल्प से हम अलग अलग रेंज ऑफ एमीटर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं भी हमारा बोला जाएगा कि हमारे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, ठीक है, और इसका हमको बोल देगा कि इसका जो मैक्सिमम करंट जो ये कैरी कर सकता है वो है 10 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट करना है एक एमीटर में जिसका रेंज होगा 2 एम्पियर, तो शंट कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए सिंपल से कर देंगे, फिर आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है, तो आई जी इंटू जी प्लस आई माइनस आई जी इधर से चला जाएगा इंटू एस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एस, ठीक है। तो इसका यूज सबको पता होना चाहिए, शंट का क्या यूज होता है, फिर वोल्टमीटर हम कैसे कनेक्ट, अच्छा इससे और क्या फायदा होता है शंट का,
इससे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है हमारे एमीटर का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, एमीटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में ना हम लोग। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट हमारी कम हो जाएगी, तो उससे क्या एरर ज्यादा आता है। ठीक है, करंट का अपना 5 एम्पियर है, ठीक है, ये रख दिया हमने, करंट सर्किट में हो जाएगी 2 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वो हमारे नुकसान वाली बात है। तो हमको एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे रखना होता है? कम रखना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शंट। ठीक है, तो शंट के 3 रोल सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कैसे भी घुमा के पूछ ले शंट के बारे में। वोल्टमीटर के लिए हम क्या करते हैं? हम कनेक्ट करते हैं हाई रेजिस्टेंस, कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर में, लेकिन वो सीरीज में होता है। ठीक है, और सीरीज में क्या फायदा होता है कि वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है? वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, ये ऐसा हो गया, ये हमारा बन जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, और इसको हम कैसा कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस मेजर करना। ठीक है, तो और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस जी, दिस इज ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। ये पूरा का पूरा वोल्ट मीटर है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब अगर वोल्ट मीटर को क्यों कनेक्ट करते हैं हम लोग? हाई रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर में? ताकि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाए। करंट अगर हम भेजते भी है यहाँ पे तो इसमें से कम जाए, है ना, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस बड़ा से बड़ा होगा तो इसमें करंट कम से कम पास करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस छोटा ले लेंगे तो सारा का सारा करंट तो इसमें से निकल जाएगा, दो रेजिस्टेंस में निकल जाएगा। तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उसको करंट कहाँ से मिलेगा? तो हम वोल्टेज तो नापने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन इशू कहाँ पे आएगा? हमारा करंट सर्किट पे कम हो जाएगा, हमारा पंखा ठीक से चलेगा नहीं, ट्यूबलाइट हमारी ठीक से चलेगी। ठीक है, और पूछा जाएगा वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज कैसे नापेंगे? आई जी करंट इंटू आर प्लस जी। ठीक है, जितना भी करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, और करंट ना कर, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चैप्टर वैसे भी मुझे भी करवाना होगा, तो मैं पूरा एक बार दिसंबर मतलब कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ही मैं इस पर टच भी करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर प्योरली थ्योरेटिकल है। सीबीएसई में काफी कुछ निकाल दिया गया इससे, आईएससी में थोड़ा कम निकाला है, लेकिन निकाला उस पर भी है। अब वो एग्जैक्टली कितना होगा तो हम लोग को एक टाइम में क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम दोनों हम लोग इस चैप्टर को कर लेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसके सबको इसके बेसिक चीजें याद रखनी होगी। ठीक है, कि ईएमएफ कैसे निकालते थे? चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। ठीक है, करंट कैसे निकालते थे? फ्लक्स बाय ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हम फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, या तो बी को चेंज करो, नहीं तो ए को चेंज करो, नहीं तो थीटा को चेंज करो। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर नहीं आ रहा है, सीबीएसई में तो दिया हुआ है, तो आईसी में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई वाले बोलते सुन लो। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में क्या इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीबीएसई वाले तो पढ़ जाना। अच्छा ठीक है, तो सीबीएसई वालों को लेकिन है ये। ठीक है, तो सीबीएसई वाले क्या करना, इसके फॉर्मूला अच्छे से देख जाना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉइल है, वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री, उस कॉइल को घुमा दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, बाकी आईसी वाले भी सुन लो। ठीक है, तो घुमा दिया गया 60 डिग्री से, तो एवरेज ईएमएफ कितना डेवलप होगा? तो एवरेज ईएमएफ बी ए कॉस थीटा माइनस इनिशियल बी ए कॉस थीटा 1 माइनस बी ए कॉस थीटा 2। ठीक है, बाय टाइम कर देना तुमको सही ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना हमारे एग्जाम में, तो जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। देखो, जैसे कि एक सवाल कैसा आएगा,
एक हो जाता है, एक कॉइल को घुमाया गया, ठीक है, और उसको घुमाया गया है मान लो जब थीटा था 0 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब कॉइल ऐसा हुआ, ठीक है, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये समझ लो ये कॉइल ऐसा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसके लिए फील्ड भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब घुमा के कितना एंगल कर दिया कि इसको 60 डिग्री, मतलब अब ऐसा हो गया कि बी वेक्टर से इधर है लेकिन जो एरिया वेक्टर जो होगा ना ये कुछ ऐसा घुमा दिया गया कॉइल को इसका एरिया वेक्टर कैसा जा रहा है 60 डिग्री बना, ठीक है, ऐसा कुछ घुमा दिया गया, तो बोला गया कि बताओ व्हाट इज द, दो तरह के सवाल इसके आते हैं, ठीक है, एक सवाल हो जाता है एवरेज ईएमएफ का और दूसरा हो जाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। एवरेज ईएमएफ कैसे निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम जैसे मैंने अभी बताया था, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा, जो हमने पढ़ा था एसी एसी करंट में जो हमने पढ़ा था ना अल्टरनेटिंग जनरेटर, वहां पढ़ा था हमने वाला फॉर्मूला, देखो ये होता है इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे ई नॉट क्या था बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, जो भी टाइम हमको बोला जाएगा, ठीक है, जैसे बोला कि एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ओमेगा टी क्या पुट कर देंगे हम लोग 60 डिग्री, और ये हो जाएगा ई हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन 60 डिग्री, हमको बी पता रहेगा ए पता रहेगा ओमेगा पता रहेगा निकाल लेंगे, ऐसा सवाल आएगा फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो जाता है बी ए ओमेगा, व्हाट इज द मिनिमम ईएमएफ, तो वो कब वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जब टी को जीरो लेंगे या कोई एंगल ही ऐसा हो जब ये वाली इसकी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, तो ईएमएफ कितना होगा वहां पे 0 होकर ऐसे यहाँ पे ना, ठीक है, और एवरेज के लिए क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये दो वाले क्वेश्चन जो है ना तुमको तुम्हारे दिमाग पर अच्छे से बैठ जाने चाहिए, उसके बाद बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जब एरोप्लेन उड़ता है ठीक है तो उसके विंग्स के क्रॉस कैसा ईएमएफ डेवलप होता है, जैसे डेवलप होता है मतलब हम कौन सा बोल सकते हैं कि जैसे वो ऐसे ऐसे जाएगा नॉर्थ और साउथ है, अगर वो ऐसे फ्लाई कर रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो कौन सा फील्ड काटेगा वो वर्टिकल फील्ड काटेगा, ठीक है, अगर मान लो ये लैंड कर रहा है ठीक है तो वो कौन सा फील्ड काटेगा उस सिचुएशन में, वो काटेगा हॉरिजॉन्टल फील्ड काटेगा, ठीक है, तो वो सब बेसिक बेसिक मैंने तुम लोग करवा के रखा हुआ उसके ऊपर अच्छे से देख जाना, उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा अगर सीबीएसई वालों के लिए होगा कि सबको इस एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए E equals to E not sin omega, ठीक है, ये अभी जैसे मैंने बताया था वोल्टेज या टेनी इंस्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसके फ्रीक्वेंसी निकालना तो ओमेगा 2πf हो जाता है, क्लियर, बेसिक इंडक्टर सर्किट बेसिक कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, बेसिक बेसिक सब अच्छे से पढ़ जाना, जो भी चैप्टर तुम्हारे है सब अच्छे से पढ़ जाना है, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, याद रखना है ऑब्जेक्टिव की बोर्ड में भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस बार, ठीक है, नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपने स्कूल एग्जाम में तो आएंगे आएंगे, ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ जाना, बाकी जो मैंने वीडियो भेजी है उसको अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कहते हैं उसमें तुम लोग का आईसी में बोला कि आएगा कुछ क्या
एक मिनट को मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या उसमें बोला। हाँ उसमें क्या करो, खाली जो है ना तुम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ठीक है वो पढ़ दो अच्छे से। फिर उसके बाद वो पढ़ जाओ जो एमपीएस के जो जो चार लॉस थे ना वो पढ़ जाओ ठीक है। और बेसिक तुम लोग का फंडामेंटल जो अधिकतर आती है ना वेव्स के क्या क्या यूजेस होते हैं सबको पता होना चाहिए ठीक है। यूवी रेस का क्या यूज है ठीक है वो सब पता होना चाहिए ठीक है। यूजेस पता रखो और उसके क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो पता रखो और एम्पीयर्स के चार लॉस पता रखो क्लियर। तो इतना काफी है, और किसी को कोई डाउट है? तो एक काम करो जो मैंने भेजी है ना वीडियो तो उसको देख जाओ, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ ठीक है।